मध्य प्रदेश के दतिया जिले में शहर में स्थित गोविंद गौशाला का निरीक्षण किया गया, जहां पर गौशाला प्रभारी दशरथ यादव एवं हिंदू जागरण मंच संगठन के जिला महामंत्री रवि शर्मा से मुलाकात हुई। गौशाला के प्रभारी ने बताया कि यह गौशाला बहुत प्राचीन है। इस गौशाला का निर्माण लगभग सन 1919 में हुआ था। इसमें लगभग 1000 से ज्यादा गायों की देखभाल हो सकती है। इतनी प्राचीन गौशाला होते हुए भी यह प्रशासन की अनदेखी के चलते आज बदहाल स्थिति में है। यहाँ पर गायों के लिए पानी का कोई साधन नहीं है। इसके लिए प्रभारी ने कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पानी के अलावा और भी कमियां नजर आई। वहीं पर हिंदू जागरण मंच के जिला महामंत्री रवि शर्मा भी समय समय पर गौशाला आकर गायों की सेवा करते हैं। पानी की वैसे कमी है इसमें, हाँ। अगर पानी की यहाँ ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था हो जाए तो शहर में जो गाय की मतलब जो घूम रही है आवारा गाय, और जो गौ माता वहाँ प्यासी भूखी रह रही है बाजार शहर में, वो सारी गौशाला में रह सकती हैं। यदि अपन को 3-4 इंची पाइपलाइन कहीं से मिल जाए गौशाला के लिए, तो 65 बीघा जमीन में हरी घास होगी, जिससे गाय पूर्ण तरीका से स्वस्थ रहेगी। जैसे हमने कई बार मांग रखी है, SDM साहब से भी एक बार मांग रखी थी, उन्होंने नगर पालिका को बोल दिया था कि हम टैंकर भेजेंगे। लेकिन टैंकर से कोई काम चलने वाला नहीं है, कोई स्थायी व्यवस्था हो जाए जिससे कि मतलब हम लोग उस खेती में भी हरी घास कर सकें और गायों को प्राप्त पानी मिल सके। मैंने पानी की समस्या है हमारे यहाँ, पानी की अगर समस्या सॉल्व हो जाए तो गाय बहुत अच्छी तरह गौशाला में रहेंगी। ये बहुत प्राचीन गौशाला है, 1919 से मतलब स्थापना हुई है इसकी, 100 साल लगभग तय होने जा रहे हैं।